हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्या यू चॉकलेट आइसक्रीम रेसिपी। इसे मैंने दूध और आटे से बनाया है। ये बहुत ही क्रीमी और टेस्टी आइसक्रीम बनकर तैयार होती है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। आई होप ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। और फ्रेंड्स, अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल बटन है उसे भी दबा लें। तो चलिए बनाते चॉकलेट आइसक्रीम। आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है। यहाँ पे मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई ऊपर रख दी है। इसमें दूध डालेंगे। इसमें से थोड़ा दूध मैंने पीछे बचा के रखा है जिसका हम बाद में यूज़ करेंगे। दूध में एक उबाल आने देंगे। यह आइसक्रीम घर पर इतनी क्रीमी और टेस्टी बनकर तैयार होती है कि आपको विश्वास नहीं होगा आपने घर पर बनाई है। ये बिल्कुल बाजार की आइसक्रीम जैसी बनकर तैयार होती है। दूध में एक उबाल आ चुका है। अभी हम इसे इस तरह से मिलाते हुए पकाएंगे और इसमें जो मलाई है वो भी मिक्स करते जाएंगे जिससे आइसक्रीम और भी टेस्टी बने। और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि आधा ना हो जाए। और साइड में जो मलाई है उसे भी अंदर मिक्स करते हुए पकाएंगे। दूध हमारा पक रहा है तब तक पास में हम आटे का घोल तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी जितना दूध बचा के रखा था पीछे, इसे हम बड़े बर्तन में बाहर ले लेंगे। और 4 चम्मच जितना आटा लिया मैंने, इसे थोड़ा थोड़ा करके दूध में डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे जिससे इसमें लम्स ना बने। आटे से आइसक्रीम बहुत ही क्रीमी बनती है। आटे का घोल तैयार हो गया है और दूध भी आधा हो गया और गाढ़ा भी हो गया है। अभी जो आटे का घोल हमने तैयार किया था उसे डालेंगे और इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे जिससे इसमें लम्स ना बने। और इसे हमें लो से मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है और इस तरह से हिलाते हुए पकाएंगे जिससे नीचे चिपके ना। अब इसमें ऐड करेंगे शक्कर। मैंने यहाँ पे 4 बड़े चम्मच शक्कर ली है। आपको जितना मीठा पसंद हो उतनी आप शक्कर लें और इसे गाढ़ा होने तक थोड़ा पकाएंगे। आप देख सकते हैं दूध गाढ़ा हो चुका है। आइसक्रीम बनाने के लिए हमें इस तरह का ही बैटर तैयार करना है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। आइसक्रीम बैटर ठंडा हो चुका है। आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो गया है। इसे मिक्सी जार में ले लेंगे। चॉकलेट आइसक्रीम बनाने के लिए इसमें डालेंगे 4 चम्मच कोको पाउडर। दो चम्मच चॉकलेट सिरप डालेंगे। और इसे ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद आप देख सकते हैं कितना स्मूथ हो गया और कितना क्रीमी हो गया है। इसे एक प्लास्टिक डब्बे में बाहर ले लेंगे। और ऊपर से लगा देंगे ढक्कन और इसे 2 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। 2 घंटे बाद मैंने इसे फ्रीजर से बाहर ले लिया है और थोड़ी ये सेट भी हो गई है आप देख सकते हैं। इसे हम फिर से मिक्सी जार में ब्लेंड करेंगे जिससे आइसक्रीम बहुत ही क्रीमी और टेस्टी बनेगी, बिल्कुल मार्केट जैसी। इसे 2-3 मिनट के लिए ब्लेंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं और भी क्रीमी हो गई है। इसे इस डिब्बे में बाहर ले लेंगे। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स या चॉको चिप्स भी डाल सकते हैं और इसे ढक्कन से अच्छे से कवर कर लेंगे जिससे इसमें बर्फ की परत ना जमे। और इसे 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीजर में सेट होने को रख देंगे। 8 घंटे बाद मैंने इसे फ्रीजर से बाहर ले लिया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सेट हो गई है ये। एक बर्तन में पानी लेके इसे इस तरह से डिप करेंगे जिससे ये आसानी से बाहर आ जाए। और इसे एक बर्तन में बाहर ले लेंगे।
आप देख सकते हैं कितनी अच्छी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। इसे मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये बिना क्रीम बिना कंडेंस मिल्क के बहुत ही क्रीमी और टेस्टी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है, आप देख सकते हैं। इस पे चॉकलेट सिर्फ से गार्निशिंग कर लेंगे, आप चाहे तो चोको चिप से भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आइसक्रीम बहुत ही क्रीमी टेस्टी और मुंह में जाते ही घुल जाए ऐसे आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा, रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।